जहां बिजली विभाग के करोड़ों रुपए बकाया है। 69,727 डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर 235 करोड़ रुपए का बिल अभी तक बकाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली निगम ने 31 दिसंबर तक अब ब्याज माफी योजना को वहां पर बढ़ा दिया है। 18,874 लोगों ने ब्याज माफी योजना का अभी तक लाभ उठाया है। 5,85,00,000 रुपए का ब्याज माफ करवाया है इन लोगों ने और बिल जमा किया है। इसके बाद जो जमा की गई है राशि वो 28,97,00,000 रुपए उपभोक्ताओं ने अभी तक जमा करवाए हैं और इसके अलावा अभी भी करोड़ों में जो बिल है उसका भुगतान होना बाकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत से ये बड़ी खबर है जहां पर बिजली का बिल भुगतान जिसमें देरी हुई है, जिस पर ब्याज लगा हुआ है, ऐसे लोगों को जो डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं बिजली निगम की तरफ से, उन्हें एक मौका दिया गया है और इस मौके को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। ये मौका पिछले कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब 31 दिसंबर तक ऐसे डिफॉल्टर जो बिजली का बिल जिन्होंने जमा नहीं किया पिछले काफ़ी समय से, वो बिजली का बिल जमा कर सकते हैं और ब्याज जो लगाया गया है उनके बिल पर उसको माफ़ कर दिया जाएगा अगर वो इस समय अवधि के अंदर जाकर के अपना बिल जमा करवाते हैं। बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे लोग बाकी हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो ऐसे लोगों को एक बार फिर से ये मौका दिया गया है 31 दिसंबर तक का, ताकि वो अपना बिल जमा करवा सकें, ब्याज की माफ़ी योजना का लाभ उठा सकें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज की तारीख में जिले में 69,727 डिफॉल्टर्स हमारे हैं जिनके ऊपर लगभग 235 करोड़ की राशि बकाया है। लेकिन जो पिछले कुछ महीनों में हमने सरचार्ज वेवर स्कीम चलाई और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि 18,874 लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने 5,85,00,000 के सरचार्ज को माफ़ कराते हुए 28,97,00,000 रुपए की राशि विभाग में जमा कराई।